subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से किसी भी मोबाइल में रिंगटोन कैसे सेट कर सकते हैं, जो गाइस आपकी फ़ाइल में सेव है उसे आप कैसे रिंगटोन पे लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो गाइस आपको वीडियो को एंड तक देखना। और गाइस, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको रिंगटोन सेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में चले जाना है। तो गाइस, सभी मोबाइल की सेटिंग्स थोड़ी थोड़ी अलग होती है। तो गाइस, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन का। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आपको चले जाना है रिंगटोन पे। रिंगटोन पे जाने के बाद आप यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का फेस इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है माय प्रोफाइल, ये जो प्रोफाइल पे जाना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है रिंगटोन्स। रिंगटोन्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्लस के आइकन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। प्लस पे आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी आपकी फ़ाइल में या रिकॉर्डिंग म्यूज़िक जो भी आपको रिंगटोन सेट करनी है वो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेनी। तो ये मेरी गाइस फाइल में है, तो फाइल में से यहाँ पर मैं ये ऊपर वाली सेट करनी है मुझे, तो इस पर क्लिक करना है और सही पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। तो इस तरह से आप रिंगटोन सेट कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे वो ऐड हो चुकी है। और ऐड करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद ओके कर देना है और यहाँ आपकी रिंगटोन सेट हो जाएगी। तो गाइस, इस तरह से आप किसी भी मोबाइल में रिंगटोन सेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको छोटी सी जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।